अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर व आफियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फायर है। तो जी बहुत से लोग मुझे कह रहे थे भाई साहब व्लॉग नहीं आ रहे, क्यों नहीं बना रहे। कुछ मसरूफियात ऐसी थी जिसकी वजह से क्या से कहते हैं व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि जब मैं यूके से आया था आई थिंक सो, तब उसके बाद मेरे एग्ज़ाम भी थे, उन्हीं में बिज़ी रहा हूँ। अब तो खैर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब तो खैर किस्म का आई थिंक नेक्स्ट वीक मे बी रिजल्ट आए और मे बी इस वीक आ जाए, अब कंफर्म नहीं है मुझे उस चीज़ का। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जी ट्यूसडे 4th of June आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट द थिंग इज टुडे आई एम गोना कट माय हेयर। आप कह रहे होंगे कि यार ये पिछली वाली सीरीज में इसने कटवाए थे, लेकिन आज मैं कटवाऊंगा जी यहाँ पे आयरलैंड में, क्योंकि मैंने जाना है, आज है ट्यूसडे, मैंने जाना है थर्सडे वाले दिन यूके। मैंने सिर्फ दो दिन का ट्रिप है मेरा, थर्सडे को जाना है मैंने और सैटरडे की नाइट को वापस आ जाना है। मतलब थर्सडे नाइट जाना है और सैटरडे नाइट मैंने वापस आ जाना है। तो चलते हैं भाई साहब बाग कटवाने। पहले मैं गया था थोड़ी देर पहले, लेकिन वो शॉप क्लोज थी, तो इसकी उस वजह से फिर मैं वापस आ गया था। अब चल के दोबारा फिर देखता हूँ। और आप लोगों से भी थोड़ी गपशप लगाते हैं, काफ़ी अर्सा ही हो गया गपशप नहीं लगाई। बहुत लोग मेरे से चीज़ें वगैरह पूछते हैं, तो फिर वो भी डिस्कस करते हैं हम इस व्लॉग के अंदर। अब चल के देखते हैं भाई साहब उसकी शॉप खुली हो होपफुली। यार मैंने बाइक ट्रेन को क्या, मेरी जॉब भी है, तो फिर मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाऊँगा साथ अपने। आज आई थिंक सो तूफानिया काम कर रही होगी, आपको तूफानिया से भी मिलवाता हूँ। और मे बी आज विशे भाई भी काम कर रहे हो, तो फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं जी वहाँ पे, क्योंकि पहले मैं कहता बंद थी, तो अब होपफुली खुली हो शॉप। और भाई साहब एक और सरप्राइज़ है, यूके से आके फिर मैं आपको वो सरप्राइज़ दूंगा। मतलब यूके से आके फिर ईद है, ईद के बाद वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। I can't express at the moment, but I will show you after Eid, okay? Eid के बाद आपको फिर मैं वो सरप्राइज दिखाऊंगा। अभी थोड़ा वेट करो, वेट वेट। ओके तो चलते हैं, चल के चेक करते हैं, क्योंकि मेरी है जॉब स्टार्ट होनी है 1 o'clock, तो मैंने 12 o'clock बस लेनी है। इस वजह से वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, चलते हैं भाई साहब। मुझे लगता है भाई आज के दिन में भाई मेरे से बाल नहीं कटवाने, क्योंकि कल मैंने कटवाने थे। तो अबे यार बस कर, कल मैंने कटवाने थे बाल, लेकिन कल भाई साहब वो था क्या से कहते हैं बैंक हॉलीडे की वजह से बंद थी शॉप बार्बर की। आज मैंने कहा चलो कटवाते हैं भाई साहब, मुझे लगता है भाई से मुझे कह रहे भाई बाल ना कटवा, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे बाल कटवाने की, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। कह रहे भाई साहब आपको ज़रूरत है ही नहीं बाल कटवाने की, आप पैसे ही रखें, आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यार फक सेक यार फक सेक। ये देखें ये जो सामने आपको शॉप नज़र आ रही है ना बार्बर वाली, वो शॉप ही बंद है, खुली नहीं है अभी तक, इन्होंने खोली नहीं है बदतमीज़ों ने। मैं तो भाई साहब वापस आ गया। मैं नहीं कटवा रहा बाल, कल देखूँगा, कल मेरी छुट्टी है, तो कल आई थिंक सो एक दो काम है, तो कल मैं ट्राई करूँगा बाल कटवाने की। आज तो भाई साहब शॉप ही बंद है, कोई मज़ा ही नहीं आएगा इससे। अच्छा तो मैं जिम चले जाता, जिम भी नहीं गया बाल कटिंग करवाने के चक्करों में। कल जाऊँगा जिम, कल फिर आपको जिम का भी कवर कराऊँगा। फिर कल चलते हैं भाई साहब घर, चल के सोते हैं दोबारा से, भाई साहब सोते हैं जाके। जहाँ से व्लॉग शुरू किया था वहीं पे आके वापस बैठ के हूँ। यार पता नहीं आज क्यों नहीं खोली इसने, बदतमीज़ नहीं है ना, जिस टाइम मैं बस लेने जाऊँ उस टाइम खुली हो। खैर फिलहाल नाश्ता करते हैं, नाश्ते में क्या स्पेशल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाश्ते में है आज स्पेशल कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे नाश्ते में। ये देखें नाश्ते में पिज़्ज़ा खा हो रहा है, आजकल पिज़्ज़े बहुत खा हो रहे हैं, पता नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। मैं अब आपकी जो लोग मेरे से क्वेश्चंस वगैरह करते हैं उसको भी डिस्कस करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा खा पी लूँ, खा पीने के बाद फिर आपको मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर्स भी करता हूँ। अच्छा तो अब बात की जाए
आप लोगों के मोस्टली जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं आप सब के, वो ये होता है कि जी भाई आयरलैंड में अकोमोडेशन का क्या सूट था, अकोमोडेशन 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 अकोमोडेशन, सबके ये क्वेश्चन होते हैं भाई। अकोमोडेशन भाई यहाँ पे एक्सपेंसिव है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आप टैक्स पे जितने पैसे कमा रहे होते हो ना, उसमें ये सिनेरियो आप कह लो कि आपके 50 to 60% आपकी अकोमोडेशन में चले जाते हैं पैसे जो आप अर्न कर रहे होते हो। यहाँ पे अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप डबलिन में जाते हो तो डबलिन के अंदर आपको रूम मिलेगा तकरीबन 600-700 यूरो से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। सो मतलब 700 यूरो से, अब क्योंकि मेरा अब दोस्त रहता है, ठीक है, उन्होंने अब एक फ्लैट लिया, अब आप सिर्फ 2 बेडरूम का फ्लैट है, ठीक है, और वो उसका पे कर रहे हैं हाउ मच, दे आर पेइंग 2100 और मे बी 2200, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स अबव 2000। सो 2100 और मे बी 2200। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको 21 और 2200 में डबलिन के अंदर मिल रहा है, ठीक है। ये मतलब डिपेंड करता है लोकेशन पे भी, कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इससे भी एक्सपेंसिव है। और अगर आप बात की जाए डंडौक की, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी सिंगल रूम की प्राइस स्टार्ट होती है 400 से लेके 450-500 तक जाती है। अगर आप डबल रूम की बात की जाए तो डबल रूम स्टार्ट होता है जी 500 या 550 से स्टार्ट होता है, तो अबव 600 या 650 तक जाता है डंडौक के अंदर। अगेन इट्स डिपेंड कि आप कहाँ पे रह रहे हो, किस स्टेट, डंडौक की किस स्टेट में रह रहे हो, वो भी मैटर करता है। कुछ आपको रेंट चार्ज करेंगे विदाउट बिल्स और कुछ चार्ज करते हैं जी विद बिल्स, ओके, इंक्लूडिंग बिल्स उसके अंदर ऐड होते हैं आपके रेंट के अंदर। ये बात होगी क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मुझे ये बहुत पूछते हैं भाई अकोमोडेशन अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन ढूंढने का भी आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आपने अकोमोडेशन आयरलैंड में आने से पहले ढूंढनी कैसे है। ऐसे मैंने तो अभी यहाँ पे कैमरा रख दिया, मैंने तो बाल दुखने लग गया था मोबाइल पकड़ पकड़ के। दूसरी बात कि आपने अकोमोडेशन आयरलैंड में आने से पहले ढूंढनी कैसे है, ठीक है, ये एक ट्रिकी थिंग है। बारिश होने लग गई, नहीं हो रही आज, अब मेरे ख्याल तूफान आ रहा है आज और कल, तो इस वजह से हवाएं चलती रहनी है। यहाँ पे आयरलैंड के अंदर भाई आप आ रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर करके आना। एक तो हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे और दूसरा बारिश बहुत होती है यहाँ पे। ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं था आयरलैंड में आने से पहले कि आयरलैंड में वेदर कैसा है। भाई साहब यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते वेदर, हवा चल रही होगी तेज़, बारिश होने लग जाएगी, ठीक है, बारिश ख़त्म होगी, धूप निकल आएगी, अभी धूप निकली को 5 मिनट नहीं होंगे फिर वह बारिश आने लग जाएगी, फिर बारिश आती। मतलब ये खैर सिनेरियो है यहाँ पे भाई साहब, वेदर इट्स का अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। आपको ये उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप वेदर पे चेक करते रहें कि भाई बाहर बारिश तो नहीं हो रही। वो बात हो रही थी अकोमोडेशन की, आपने अकोमोडेशन देखनी कैसे। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे आपको कोई भी नहीं अकोमोडेशन लेके देगा, ठीक है। अब लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, ब्रो आई एम कमिंग इन डबलिन, ब्रो आई एम कमिंग इन लिमरिक, ब्रो आई एम कमिंग इन कॉर्क, गैलवे, डंडौक, सो कैन यू हेल्प मी आउट टू गेट द अकोमोडेशन। अरे भाई मैंने कहा भाई मैं कहाँ से अकोमोडेशन ले दूँ यार, लेकिन भाई मैं उनको कहता हूँ भाई जहाँ तक मेरे से हो सका इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, हेल्प आउट करूँगा, लेकिन अब देखिए जी बाहर धूप निकल आई पहले बादल थे अब धूप निकल आई है, तो भाई साहब यहाँ पर अनप्रडिक्टेबल। मैं कह रहा था कि भाई मैं कहाँ से अकोमोडेशन ले के दे दूँ। ओके आई विल ट्राई, इफ़ आई गॉट समथिंग देन आई विल लेट यू नो। तो अकोमोडेशन का बेस्ट ऑप्शन है कि आप फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके आप देखें, कुछ लोगों ने ना पोस्ट वगैरह लगाई होती हैं कि भाई डबलिन 1 में, डबलिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिस तरह वो 11, 12 तक जाता है आई थिंक सो, तो उसमें ना नहीं मेरे ख्याल 12 से भी ज़्यादा ही होगा, वहाँ पर पोस्ट वगैरह लगाई होती है लोगों ने कि भाई इतना एक सिंगल रूम अवेलेबल है, शेयर रूम अवेलेबल है, डबल रूम अवेलेबल है, फेसबुक पर ग्रुप्स बने हुए हैं, आपने जाके जस्ट वहाँ पर उनको रीच आउट करना है, ठीक है, उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करना है, उनसे जो भी आपकी डील वगैरह हो वो आपने करनी है। एक चीज़ आपने किसी को एडवांस पैसे नहीं देने, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तब आपने देने हैं, आपने पहले किसी को 1 रुपया नहीं देना। जब आप यहाँ पे आओगे आप उसको दो भाई 1 महीने का रेंट, 1 महीने का डिपॉजिट, डेट्स इट। आप अपनी लोकेशन पे आ जाओ, रूम में आ जाओ, सामान वगैरह रख लीजिए, उसी टाइम उसको को भाई ये आपके पैसे, ख़त्म कहानी।
एडवांस किसी को भी नहीं देना, मैं हर किसी को यही कहता हूँ भाई एडवांस किसी को भी नहीं देना। ठीक हो गया, आपकी अकोमोडेशन के मसला मैंने हल कर दिए। अगर बाकी ये है कि डॉक में कोई आ रहा होगा तो उसको मैं ज़रूर, मेरे से हो सका तो मैं इंशाल्लाह उसकी ज़रूर हेल्प आउट करूँगा उसको अकोमोडेशन में लेने में, क्योंकि मुझे दो तीन लोगों के मैसेज आ रहे थे आई थिंक डॉक के बारे में आ रहे थे, तो मेरे का कोई मसला नहीं, मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, मैं आपको ज़रूर अकोमोडेट करूँगा इस हवाले से। अब आप में से किसी लोग किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है इंस्टाग्राम का, आप भाई साहब मुझे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एनी थिंग यू वॉन्ट टू नो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड देन आई विल लेट यू नो, बिकॉज सम टाइम आई एम बिजी सम टाइम आई एम नॉट सो, बट आई विल टेक्स्ट यू विद इन 24 आवर। ओके, घबराना नहीं है आपने, मेरे खान का डायलॉग है भाई साहब, घबराना नहीं है। मैं आपको कह रहा था ना कि भाई आयरलैंड का वेदर अनप्रडिक्टेबल होता है, ठीक है, तो ये देखिए जी बारिश हो रही है। आगे जब मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तब बादल थे, फिर बीच में धूप निकली, जब मैं कह रहा था मैं कहा भाई धूप निकल आई है, धूप आई है और अब भाई साहब बारिश हो रही है, मतलब कि भाई आप इसको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। टाइम हुआ जाता है जी काम पे जाने का, अब चलते हैं जी, चल के बस वगैरह लेते हैं, और मे भी अब मैं 100% श्योर हूँ कि यार वो ना बार्बर की शॉप ओपन हो रही है, मैं 100% श्योर हूँ, रह ही नहीं सकते आप, खुल रही है शॉप इतने कोई भूत नहीं है ना, वो देखें सामने मैं शॉप में इसको बात कर रहा था ना वो खुली हुई है, ये आई थिंक कोई पेंटिंग शेडिंग कर रहे हैं। गुड हाउ आर यू, तो खैर पेंट शेंट में कर रहे हैं, ये बना रहे हैं आर्ट कोई, तो ये रही जी शॉप अब खुली है ओपन। मेरे भाई इमरान मुझे कहते हैं तो बाल नहीं कटवा के आया, मैंने कहा भाई मैं गया था वो शॉप बंद थी, कहते हाफ नाइन पे ओपन होती है, तू पहले चला गया ना, मैं जाहिर सी बात मैं पहले चला गया था, तो मेरी आँख जल्दी खुल गई थी बाल कटवाने की वजह से, मैं जल्दी उठ गया था। सो जी पहुँच चुके हैं जी डी ब्रेक तो जी ये है जी फिलिंग स्टेशन जहाँ पे मैं करता हूँ जी जॉब, तो चल के आपको मैं स्टेफानिया से भी मिलवाता हूँ शीशे से देख रही है आपको, जाके मैं स्टेफी से भी आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, और फिलहाल तो ये थी बात, उस पर मैं आज अभी तक की यहाँ पर पहुँची है। हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू राज। हेलो ये है जी स्टोर, जिस स्टोर पे मैं जॉब करता हूँ, ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, इसका आपने क्या ही देखना है, और ये रही जी वाइन के सेक्शन, तो खैर आपको मिलवाते हैं जी, आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू स्टेफानिया, हाउ थिंग्स। No, move it. I just want to go home. That's it. My only wish. Every time, whenever I come, you just say, I want to go home. What the heck? It's beautiful. Everybody wants to go home. I know the thing. Don't you want to go home? No. I don't want to go home. It's boring in the home, you know. Nothing to do. Oh, my God. I'm making a vlog. So, say something about me or anything. I'm so sorry. I just came back from holiday. It was fantastic. Can I say that? No. Not that, it's family content, bro. Okay, it's something about Jawad. All right, yeah, it's up to you. I'm so beautiful. that's Jawad. Jawad is so beautiful. He's the most beautiful man in this pump station. I think everybody should come just to see him. That's really it. And he have a beautiful smile. Thank you. That's it. That's it, yeah. So, ye thi Stefania. ये मुझे क्रिएशन सिखाती होती है और मैं इसको उर्दू सिखा रहा होता हूँ, बस हमारी आपस में यही लड़ाई होती रहती है, I'm saying, I'm teaching him Urdu, teaching her Urdu, and she is teaching me the Croatia, and we are always fighting, why you talk to in Urdu, she said, I'm saying, why are you talking in Croatia, and I'm saying, It's free education, free education, I'm teaching you for free, you're teaching me for free, free. That's it. That's the thing. Okay जी, तो अब काम किया जाए, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं जी ख़त्म,
मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। आपकी कोई भी क्यूरी होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं। तो जी ओके भाई ब्रो अल्लाह हाफिज। अपना अपने वाले देर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय से बाय से बाय।